तो हेलो एवरीवन, वेलकम टू अनदर, वेल इट्स नॉट एन अनदर बिकॉज इट इज अ डिफरेंट काइंड ऑफ वीडियो। आज की इस वीडियो में हम लोग कोई प्रॉब्लम नहीं सॉल्व करने वाले या कुछ। वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट साइबर एज डी शीट। कभी ना कभी यू वुड हैव हर्ड अबाउट साइबर एज डी शीट की यार 180 प्रॉब्लम्स हैं एंड बहुत अच्छी शीट है। तो वी आर गोइंग टू डिस्कस की यार सच में ये शीट अच्छी है, शुड यू सॉल्व इट और नॉट, एंड इफ यस देन हाउ टू सॉल्व इट और वैन टू सॉल्व इट। तो इस चीज से रिलेटेड काफी कुछ इस वीडियो में रहेगा, सो वॉच द वीडियो टिल द एंड। ऑल्सो वीडियो में चैनल से रिलेटेड दो अनाउंसमेंट है जो कि लास्ट में है, सो या स्टे ट्यून्ड टिल द लास्ट ऑफ द वीडियो। वी विल फर्स्ट स्टार्ट विद द प्रॉब्लम, स्टार्ट विद द क्वेश्चन कि यार इज इट वर्थ टू सॉल्व साइबर एसडीसी। और अगर आपने भी इस वीडियो पे ये क्लिक करने के लिए जाना है कि इज इट वर्थ और नॉट, तो मैं आपका टाइम बचा लेता हूँ। येस, इट इज वर्थ टू सॉल्व द साइबर एसडीसी प्रॉब्लम, यू विल बी बेनिफिटेड थ्रू इट। तो अगर आपको सिर्फ इतना ही जानना था तो ओके, आपके लिए वीडियो यहाँ पे खत्म हो जाता है। बट इफ यू वॉन्ट टू नो द इनसाइट्स ऑफ इट किया कैसे सॉल्व करना चाहिए या कब सॉल्व करना चाहिए, तो यू कैन वॉच द वीडियो टिल द एंड। नाउ यू माइट आर्ग्यू कि यार मैं कौन होता हूँ बताने वाला कि आपको कब करना चाहिए या फिर कितने करना चाहिए। तो मैं जस्ट एक बार बता दूँ कि आई एम वन ऑफ द विनर्स ऑफ द साइबर एसडीसी चैलेंज लास्ट ईयर। मैंने इस साल भी किया था, बट इस साल मैंने वो चैलेंज नहीं किया था। इस साल जस्ट प्लेसमेंट से कुछ टाइम पहले मैंने जस्ट वो शीट को गो थ्रू किया था वापस। सो या आई हैव वॉन दी साइबर एसडीसी चैलेंज, मतलब मैंने जीता था, आई मीन मैंने पूरे सॉल्व किए थे। सो या आई गेस यू कैन ट्रस्ट मी, एंड दैट वोंट बी अ फाइनल ट्रूथ। तो यू कैन ट्रस्ट मी और नॉट बेस्ड ऑन व्हाट आई एम से, और वो आप उससे कन्विंस होते हो या नहीं। सो सबसे पहले लेट्स स्टार्ट विद हाउ नॉट टू सॉल्व साइबर एसडीसी। हम में से दो चीजें देखने वाले जो वो हमें ये बताते हैं कि यार कैसे सॉल्व नहीं करना है, क्या गलतियां करते लोग साइबर एसडीसी शीट को सॉल्व करते टाइम। और जो पहली गलती है जिसको मैं बोलता हूँ एसडीसी प्रॉब्लम। नाउ व्हाट इज एसडीसी प्रॉब्लम, इसको समझने के लिए ना हम लोग एक एग्जांपल ले लेते हैं। डे टू में क्वेश्चन है, मर्ज टू सॉर्टेड अरेज विदाउट यूजिंग एक्स्ट्रा स्पेस। तो लेट्स जस्ट ओपन द क्वेश्चन। अब ये क्वेश्चन जब हम ओपन करते हैं तो ये क्वेश्चन कुछ ऐसा है कि यहाँ पे हमें बोला है कि दो एरेज हैं, उनको मर्ज करना है और जो सॉर्टेड ऑर्डर में एक एरे में, और एक एरे की साइज एक्चुअली एन प्लस एम होने वाली है और दूसरे एरे की साइज एन होने वाली है। नाउ अब ये क्वेश्चन क्या बोलता है ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट ये है कि ये एक क्वेश्चन था। और ये क्वेश्चन क्या होता है कि सबने एस डी शीट सॉल्व की होती है तो सबको ये क्वेश्चन आता है। अब मैं यहाँ पे आपको एक थोड़ा सा ट्विस्ट करके एक क्वेश्चन दे सकता हूँ जो कि आई गेस मैंने गूगल डॉक्स पे मेरे होगा ही। तो लेट्स सी, ये मैंने मॉक इंटरव्यू लिया है कुछ स्टूडेंट्स का। जस्ट पॉज द वीडियो एंड सी द क्वेश्चन। व्हेन यू विल सी द क्वेश्चन यू विल फाइंड आउट यार ये क्वेश्चन इससे कहीं ना कहीं सिमिलर लगता है, तो ये इसी में थोड़ा सा चेंजेस करके यही क्वेश्चन बनाया है। अब होता क्या है, व्हेनेवर पीपल सी दिस क्वेश्चन वो क्या सोचते हैं कि अरे यही प्रॉब्लम है सिंस उन्होंने एसडी शीट में सॉल्व की है, एंड दे टेंड टू नॉट आस्क द इंटरव्यूअर कि यार ये प्रॉब्लम कैसे करना है क्या करना है, वो सीधा सॉल्व करना चालू कर देते हैं डिस्पाइट क्वेश्चन में थोड़ा सा ट्विस्ट कर देते हैं और वो क्वेश्चन नहीं सॉल्व कर पाते। फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे जब ये क्वेश्चन पूछा था जिस कैंडिडेट से, तो हुआ क्या वो कैंडिडेट भी नहीं सॉल्व कर पा रहा था क्वेश्चन को, बिकॉज उसके दिमाग में यही क्वेश्चन बैठ गया था। और ये प्रॉब्लम क्यों है, क्योंकि इंटरव्यू में आपसे डायरेक्टली एसडी शीट से प्रॉब्लम नहीं पूछने वाले, दे आर गोइंग टू ट्विस्ट द क्वेश्चन अ लिटिल बिट एंड देन वो पूछेंगे। सो अब लोग क्या करते हैं कि वो दे दिया जस्ट उनको ये क्वेश्चन पता है कि ऐसे होने वाला है, तो इंटरव्यूअर से बैठते बहस करते कि नहीं सर आप गलत बोल रहे हो, क्वेश्चन में ऐसे होने वाला है, जबकि ऐसा नहीं है। द इंटरव्यूअर कैन ट्विस्ट द क्वेश्चन लिटिल बिट, ये ट्विस्टेड क्वेश्चन है और ये लोग नहीं सॉल्व कर पाते। तो फिर ये एक प्रॉब्लम है जिसको मैं बोलता हूँ एसडी शीट प्रॉब्लम। क्वेश्चन इतना अच्छे से याद हो गया है कि जो कि ऐसा हो जाता है कि अगर थोड़ा सा क्वेश्चन में चेंज कर दो तो वो सॉल्व नहीं कर पाते हैं। तो अगेन ये एक प्रॉब्लम है कि आपको याद नहीं करना है क्वेश्चन। अगर मैंने आपको बोला मर्ज टू सॉर्टेड अरेज, तो आपके दिमाग में ये नहीं आना चाहिए ये जो क्वेश्चन है, आपको पहले पूछना चाहिए कि अच्छा सर कैन यू एक्सप्लेन द एंटायर प्रॉब्लम स्टेटमेंट, और फिर ही आप उस क्वेश्चन को सॉल्व कर पा रहे हो। लोगों को ऐसे याद हो गया कि अच्छा मैंने बोला टेल मी दी मे बी स्टॉक्स पैन प्रॉब्लम, वो ये नहीं पूछ रहे कि प्रॉब्लम स्टेटमेंट क्या है, वो सीधा बोलते अच्छा ऐसे ऐसे ये करना है। बट याद आपको प्रॉब्लम यहाँ पे यही आ जाती है एस डी शीट के साथ कि क्वेश्चन लोग बायहार्ड कर लेते हैं, एंड दिस लीड टू अ थिंग कि यहाँ पे उनको अगर थोड़ा सा ट्विस्ट करके प्रॉब्लम दे दो तो उनको नहीं समझ में आता है कि यार प्रॉब्लम में क्या करना है। ये था पहला प्रॉब्लम। एक और प्रॉब्लम इसमें क्या आता है कि अगर आप इस क्वेश्चन को देखते हो तो इसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ओ ऑफ एन था, बट इस वाले की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ एन लॉग एन, डिस्पाइट हैविंग अ बैड टाइम कॉम्प्लेक्सिटी स्टिल
लोग इसको सोचते ही नहीं है लॉग इन में, क्योंकि उनके दिमाग में ये वाला सॉल्यूशन छप गया रहता है। तो यू शुड नॉट बाय हार्ट द सॉल्यूशन ऑफ द प्रॉब्लम्स। लोग ये गलती करते हैं एंड देन दे गेट स्टक इनटू एन इंटरव्यू। ये मैं रियल लाइफ एक एग्जांपल बता रहा हूँ कि हमारे कॉलेज में एक कंपनी आई है, आई एम नॉट गोइंग टू टेक द नेम ऑफ अ कंपनी। उस कंपनी ने ये क्वेश्चन पूछा था एंड जो कैंडिडेट था उसने सेंस एसडी शीट सॉल्व की थी, वो पूरा टाइम इसी क्वेश्चन को लेके बैठा था कि नहीं सर ये ऐसे होने वाला है, आप कुछ तो गलत कर रहे हो, आपने एक्स्ट्रा स्पेस ही नहीं दिए, मैं कहाँ इंसर्ट करूंगा, कहाँ इंसर्ट करूंगी, वॉट एवर। तो ये प्रॉब्लम होती है, ये मैंने रियल लाइफ में अपने कॉलेज में ही देखी है। नाउ यू माइट से ये क्वेश्चन कहाँ पे मिलेगा फिर ऐसे क्वेश्चन, तो वेल ये क्वेश्चन तो आपके नसीब से ये यहाँ पे कोडिंग इंजास वाला क्वेश्चन यही है एग्जैक्टली, कि कोडिंग इंजास में यही पूछा है जो कि लीटकोड से थोड़ा अलग है। बट तो आप बोल सकते हो कि अरे यार कोडिंग इंजास में तो पूछा है ना, अगर दोनों सॉल्व किया तब तो हो ही जाएगा। वेल वाई यू आर राइट एट वन प्लेस, द प्रॉब्लम इज कि यार इससे भी कुछ ट्विस्ट करके वो दे सकते हैं क्वेश्चन को। तो फिर अगर आपने एसडी शीट सिर्फ ऐसे पूरे क्वेश्चन लाइन बाय लाइन याद याद करके गए हैं तो वो आपको इंटरव्यू में प्रॉब्लम क्रिएट कर सकते हैं। तो टू अवॉइड द प्रॉब्लम डू नॉट बाय हार्ट एस डी शीट, मतलब ऐसा नहीं करना है कि यार एस डी शीट के कुछ सॉल्यूशन को याद कर रहे हो आप, आपको याद नहीं करना है कि इसका सॉल्यूशन कैसे था क्या था, आपको सिर्फ उसको सॉल्व करना है, उसका अप्रोच समझना है, एंड दैट्स इट। दिस इज एस डी शीट इस चीज के लिए कि आपको ये समझना है कि इस टॉपिक के क्वेश्चन कैसे सॉल्व करते हैं, ना कि उन क्वेश्चन को बाय हार्ट करना, जो कि ये गलती बहुत लोग करते हैं। तो दिस इज वन थिंग यू शुड बी केयरफुल वाइल सॉल्विंग दिस साइबर एस डी शीट। सेकेंड जो प्रॉब्लम मैंने साइबर एस डी शीट में मैंने देखा है, आई एम नॉट श्योर, आई गेस इस ड्राइवर ने खुद ही कहा था, आई एम नॉट श्योर अबाउट इट, कि हर दिन ना क्या करो, डे वन का क्वेश्चन ले लो उसको लिखो, और डे टू पे क्या करो, पहले डे वन के रिवाइज करो फिर डे टू के क्वेश्चन को सॉल्व करो और उनको नोटबुक में लिखो। वाइल दिस सीम्स टू बी अ ग्रेट आइडिया ऑन पेपर, बट जब ये रियलिटी में करते हैं ना तो ये फिर से वही फर्स्ट प्रॉब्लम को लीड कर जाता है कि इससे क्वेश्चन एक्चुअली याद हो जाते हैं। मेरा खुद ऐसा था कि मुझे एकदम से एसेट मैट्रिक्स जीरो में ये नहीं देख रहा हूँ प्रॉब्लम स्टेटमेंट क्या है, मैंने क्वेश्चन देखा और मुझे क्वेश्चन याद हो जाता था। तो दिस इज अनदर प्रॉब्लम जो कि एसडी शीट इस तरीके से सॉल्व करनी पड़ेगी अगर आप हर दिन उसे रिवाइज कर रहे हो तो, बिकॉज इट इज नॉट फॉर, आपको उसे लॉजिक थोड़ी बिल्ड होने वाला है, हर दिन अगर आप रिवाइज कर रहे हो तो आप लिटरली सॉल्यूशन से याद कर रहे हो। तो दिस इज समथिंग यू शुड अवॉइड डूइंग दिस थिंग। तो दो चीजें याद रखो, पहला कि यार उसको ऐसे सॉल्यूशन नहीं याद करने, और दूसरा कि उसको हर दिन नहीं रिवाइज करना। सॉल्व वंस हो गया, फिर 5 महीने में एक बार फिर से देख लिया कि हाँ फिर से एक बार कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मार्क करके रख लिए कि यार इसमें से कोई क्वेश्चन मुझे लगता है इंपॉर्टेंट है और उनको सॉल्व कर लिए, दैट्स इट। डोंट गो ऑन लर्निंग, डोंट गो ऑन सॉल्विंग ईच प्रॉब्लम एवरी डे, बिकॉज उससे और कुछ नहीं होगा, यू विल जस्ट मग द क्वेश्चन, सिर्फ बाय हार्ट करके रख लोगे एंड इट वोंट बेनिफिट यू विद एनी मीन्स बाय योर लॉजिक बिल्डिंग। तो आपकी लॉजिक बिल्डिंग में कोई हेल्पफुल नहीं होने वाला, तो उसको अवॉइड करो। नाउ नेक्स्ट थिंग इज When to solve cyber SG problem? अब ये सवाल आएगा कि यार कब सॉल्व कर सकते हैं, तो इसका तीन परफेक्ट टाइम है। पहला तो परफेक्ट टाइम है जो आंसर होगा उसका नाउ, आज ही, कल करे सो आज करे सो अब, कल में कल होगी बहुरी करेगा कब, तो आज करना ही बेस्ट होगा, बिकॉज अगर आप आज ही कर लोगे, आज से मतलब स्टार्ट करते हो तो इट विल बी द बेस्ट टाइम, बिकॉज जब जागो तब सवेरा, ये तो हमेशा एक ऑप्शन होगा जो कि बेस्ट होता है। सेकेंड जो इसका आंसर मैं दूंगा वो है इन द मंथ ऑफ जून। नाउ व्हाई इन द मंथ ऑफ जून, तो जून में साइबर वेयर खुद से ही अपनी साइबर एसी शीट चैलेंज को लॉन्च करते हैं, जिसमें क्या करते हैं वो 60 डेज देते हैं और उसमें हमें इस एसी शीट को सॉल्व करना रहता है, और उसी में मैंने ये टी शर्ट जीती थी। नाउ यू माइट से कि यार टी शर्ट या बॉटल के लिए मैं नहीं सॉल्व करता, मुझे उससे ये नहीं मिलता, वाइल यू आर राइट, हाँ ये कोई बहुत ज़्यादा बड़े रिवॉर्ड्स नहीं है, बट वी आर ह्यूमन, हमें ना थोड़ा बहुत भी करके इस चीज़ के लिए रिवॉर्ड मिलता है ना, तो वो चीज़ हम करते हैं। प्लस इन द मंथ ऑफ जून अगर आप सॉल्व करोगे तो आपके यार बहुत लोग सॉल्व कर रहे होंगे, तो वो जो कंपटीशन रहेगा वो एक हेल्दी कंपटीशन बनेगा एंड यू विल बी फोर्स टू और यू विल बी ड्रिवन टू सॉल्व द प्रॉब्लम्स कंसिस्टेंटली। वरना अगर अभी आपने चालू किया तो हो सकता है आप 4 दिन करो, 5 दिन छोड़ दो, फिर 4-5 दिन बाद स्टार्ट कर रहे हो। तो जून मंथ में करने से ये मुझे ऐसा लगता है कि कंसिस्टेंसी मिलती है, क्योंकि एक रिवॉर्ड भी दिमाग में रहता है और साथ साथ में एक हेल्दी कॉम्पिटिशन भी रहता है। बट थर्ड एंड मोस्ट सुटेबल टाइम जो मुझे लगता है वो है कि यू शुड डू इट 2 मंथ्स बिफोर द प्लेसमेंट सीजन। जब प्लेसमेंट सीजन चालू होने वाले उससे 2 महीने पहले आप स्टार्ट कर सकते हो, क्योंकि प्लेसमेंट सीजन अगर आपने अब तक नहीं किया और आपके प्लेसमेंट सीजन आने वाले हैं 2 महीने पहले, इट इज अ परफेक्ट टाइम टू सॉल्व साइबर एसी शीट, क्योंकि मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं ये प्लेसमेंट के लिए आपको हेल्प करते हैं। एंड अगर आपने जस्ट प्लेसमेंट से पहले सॉल्व किया तो आपको इसको बार बार याद भी नहीं करना, बार बार सॉल्व भी नहीं कराना पड़ेगा याद करने के लिए, आपने जस्ट पहले किया तो आपको अप्रोच भी दिमाग में रहेगा और ये प्लेसमेंट में तो डेफिनेटली हेल्प होगा, क्योंकि प्लेसमेंट में इसमें डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं।
और इसको सॉल्व करने के लिए ऑन एन एवरेज मुझे लगता है 40 to 45 days इज इनफ। तो इस वजह से यू कैन से कि हम लोग अगर 60 days पहले चालू करेंगे तो वी विल बी एबल टू कम्प्लीट इट बिफोर अवर प्लेसमेंट सीजन स्टार्ट, एंड उसका हमें प्लेसमेंट सीजन में बहुत ज़्यादा फायदा होगा। सो या दिस वॉज अबाउट इट। नाउ लेट्स, तो दिस वॉज अबाउट साइबर एसडी शीट, और अगर किसी को कोई भी कन्फ्यूजन होगा तो यू कैन आस्क इन द कॉमेंट्स, वहाँ पे हम फर्दर डिस्कशन कर सकते हैं, या कोई अनदर वीडियो या कम्युनिटी टैब पे पोस्ट आ जाएगी टू क्लेरिफाई ऑल ऑफ योर डाउट्स। दिस वॉज अबाउट साइबर एसडी शीट। शुड यू सॉल्व इट? येस। कब करना है? अभी से चालू कर दो, या तो जून मंथ में चालू कर दो, या तो स्टार्ट कर दो फिर आपके प्लेसमेंट से 2 महीने पहले। कैसे करना है? सो डोंट मग इट अप, इसको हर दिन उठ के नहीं पढ़ना, जस्ट सॉल्व करो। चाहिए तो कहीं पे एक छोटे से पेज पे, मतलब एक बुक में एक नोट्स लिख सकते हो थोड़ा थोड़ा कि इस प्रॉब्लम के लिए मैंने इंट्यूशन क्या लगाया था, अप्रोच क्या लगाया था, बट डोंट मग इट एवरी डे। वो सिर्फ उसको याद करवाएगा और कुछ नहीं। एंड इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन मार्क करके रखो जो आपको लग रहे थे कि यार ये अच्छे है, मुझे उस समय अच्छा लगा था सॉल्व करने के लिए, ताकि लास्ट में आप फिर से पूरी शीट सॉल्व करने के बजाय उन इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन को सॉल्व कर सको। सो दिस वॉज अबाउट दी ओवरव्यू ऑफ द साइबर एसडी शीट। नाउ लेट्स मूव टू द चैनल अनाउंसमेंट। चैनल के लिए 2 अनाउंसमेंट है। पहला, इट्स अगेन रिलेटेड टू साइबर एसडी शीट। सी, आर यू एबल टू सी अ यूट्यूब सॉल्यूशन हियर पुटेड बाय साइबर भैया? जा, यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी, एंड यू विल फाइंड वी आर, उन्होंने ऑलमोस्ट सारे उसके लिए डाल लिए हैं, बट देर आर फ्यू टॉपिक्स जिन्होंने अब तक उनके लिए नहीं बनाए हैं, देर आर फ्यू क्वेश्चन एज वेल। तो वट आई एम ट्राइंग टू थिंक, वट आई एम थिंकिंग इज कि वी शुड कवर ऑल दोज प्रॉब्लम्स। इसी बहाने हम साइबर एसडी शीट भी सॉल्व कर लेंगे हमारे चैनल पे जो लोग हैं, एंड और जो सॉल्यूशन है उनके जो यूट्यूब सॉल्यूशन भी प्रोवाइड हो जाएंगे, विच इज नॉट करेंटली गिवन बाय साइबर भैया। वी माइट कवर अदर प्रॉब्लम्स एज वेल, बट स्टार्ट में सोच रहा हूँ उन प्रॉब्लम से करूँ जिनके सॉल्यूशन ऑलरेडी साइबर भैया ने नहीं डाले हैं। सो दिस इज द फर्स्ट अनाउंसमेंट दैट फ्रॉम टुडे ऑनवर्ड्स साइबर एसडी शीट की प्रॉब्लम आने लगेंगी चैनल पे, बट इट वॉन्ट बी ऑन अ कंटिन्यूस मैनर। जैसे हम 30 डेज से सीरीज कर रहे थे वैसा नहीं होने वाला है। इट विल बी लाइक कभी कभार जब मुझे टाइम मिलेगा मैं इसके सॉल्यूशन अपलोड कर दूंगा। तो दिस वॉज अबाउट द अनाउंसमेंट नंबर 1। And now about the announcement number 2. So, कितने लोगों को CSES problem set पता है? I hope सबको पता ही होगा। जिसको नहीं भी पता है, CSES problem set is a very very good set of problems जो कि solve करने चाहिए competitive programming के लिए। It's very good and we are going to focus on solving this CSES problem set. So, CSES problem set में हम पहला जो topic लेने वाले वो introductory problems नहीं होगा। That will be the DP. And we will start a continuous series of 10 days of DP जहाँ पे हम CSES के 19 problems को solve करने वाले हैं। तो each day almost 2 problems रहेंगे। तो we will continue with this format and we will make our 10 days DP series of CSES problem set। इसमें जो problems है वो LeetCode पे भी available है, तो मैं साथ साथ में LeetCode की भी link दे दूंगा। But majorly हम CSES problem set पे इन problems को solve करने वाले हैं। So yeah, this was about the second announcement. And with this, I guess we are towards the end of the video. अगर वीडियो पसंद आया होगा तो डेफिनेटली लाइक द वीडियो, शेयर विथ योर फ्रेंड्स जो कि अभी एसी शीट वगैरह सॉल्व करने वाले हैं, एंड मेक श्योर ये सीरीज फॉलो करने का, बोथ CSES प्रॉब्लम सेट वाली और साइबर के सॉल्यूशंस वाली। एंड आई विल सी यू इन दोस वीडियोस। टाटा, बाय बाय।